गाजीपुर से अंकित दुबे पत्रकार की खास रिपोर्ट। गोलीमार भेजे में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को सिर में मारी गोली, मौके पर भारी पुलिस फोर्स जुटी जांच में। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर भुटकुरा कोतवाली अंतर्गत घटारो गांव गाजीपुर आजमगढ़ सरहद के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है, जो अति संवेदनशील माना जाता है। आज सुबह बाप दादा की बनाई गई पुश्तैनी भूमि पर चाचा भतीजे का विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि भतीजे ने चाचा के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही चाचा तड़प के मौके पर ही दम तोड़ दिए। घर के अन्य सदस्य, अगल बगल के लोग अभी नींद से जाग भी नहीं पाए थे कि गोली की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो वहां पर पूरी तरह से चीख पुकार मची थी। मालूम हो कि बिट्टू चौहान पुत्र इंद्रदेव चौहान, पिंटू चौहान पुत्र इंद्रदेव चौहान दोनों सगे भाई ने मिलकर अपने सगे चाचा विमलेश उर्फ विनीत चौहान 25 वर्ष के सिर में गोली मार दी। परिवार के लोग अब तक कुछ सोच पाते कि अस्पताल ले जाए तब तक दम तोड़ दिए। दोनों सगे भाई मौके से फरार हो गए। मालूम हो कि शंकर चौहान के चार पुत्र थे, जिसमें विमलेश सबसे छोटा पुत्र था। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते का विवाद को लेकर काफी पहले से कहासुनी चली आ रही थी, आज भी उसी में कहासुनी में मामला तूल पकड़ लिया और भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। ग्रामीणों ने कहा कि बिट्टू चौहान ने ही अवैध तमंचा से अपने चाचा के सिर में गोली मारी है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक बलराम और कोतवाल तारावती ने पहुंचकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल करने में जुट गए। एक अल सुबह हत्या हो गई है, उसके संबंध में आज सुबह थाना भोपड़ा को सूचना मिली थी, 112 पे भी सूचना आई थी कि घटारो गांव में किसी रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई है और एक लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। जो विवाद है वो एक रास्ते को लेके हैं, दोनों बिल्कुल पट्टीदार हैं, चाचा भतीजे हैं और एक दुखद घटना है और जो मृतक है उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और बाकी शव को डेड बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है, उसका PM करा के और अग्रेसर कार्रवाई की गई। सर अभी इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी तहरीर इनके द्वारा मिल जाए, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है क्योंकि एक बार परिजन तहरीर दे देते हैं स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि हम लोगों की जो जनपद की क्राइम ब्रांच है और कई थानों की फोर्स है वो लगी हुई है और जैसे ही एक बार तहरीर प्राप्त होती है उसमें जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो अब तक गाजीपुर पुलिस में होती रही अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।